टॉपिक पे बात करने जा रही हूँ, जिसमें हम आज बात करेंगे एक ऐसी 12 हैबिट्स के बारे में जिसे अगर आपने जान लिया तो आपके लिए कुछ भी करना बहुत आसान होगा। कुछ भी करने से मेरा मतलब है किसी भी एग्ज़ाम में पास होना, जैसे कि अभी अभी नीट का रिज़ल्ट आया है और इसमें बहुत सारे बच्चे बैठे थे, बट उसमें से कुछ ही ऐसे होते हैं जो उसे क्लियर कर पाते हैं और अपने लिए एक सीट सिक्योर करवाते हैं। तो इसी तरह से ये जो 8 स्टेप्स हैं, ये आपको हेल्प करेंगे आपके लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। ये 8 ऐसे स्टेप्स हैं जो आपको एक स्टेप, या मैं कहूँ कि आपको प्रमोट करते जाते हैं लाइफ में ऊपर जाने के लिए। तो इसमें सबसे पहला जो स्टेप है उसे हम कहते हैं ट्रेनिंग योर माइंड। आपको अपने माइंड को ट्रेन करना होगा। देन उसके बाद नेक्स्ट जो है स्टेप वो है एनवायरनमेंट एंड थिंकिंग। इस पे आपको कंट्रोल करना होगा, इसे हम आगे एक्सप्लेन करते जाएंगे। नेक्स्ट थर्ड इज़ यू बिलीव इन योर फ्यूचर। फोर्थ इज़ पर्सनैलिटी क्रिएट पर्सनल रियलिटी। एंड फिफ्थ इज़ योर लर्निंग हैबिट्स। सिक्स्थ इज़ फीलिंग एंड थाट्स, योर फीलिंग्स एंड योर थाट्स। सेवन्थ इज़ ब्रेन एंड माइंड। एंड 8 इज प्रोक्रास्टिनेशन, किसी भी काम को टालना, प्रोक्रास्टिनेशन जिसे हम कहते हैं। देन उसके बाद सबसे पहले पहला थिंकिंग, जो आपकी थिंकिंग है, नॉट थिंकिंग। सबसे पहले क्या होता है कि हम ऐसा सोचते ही नहीं, हमारा जो ब्रेन है, हम बहुत कुछ ऐसा पाना चाहते हैं पर हम सोचते हैं कि हम वो पा ही नहीं सकते हैं। सो आपकी थिंकिंग है, जो आपका ब्रेन है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। योर थिंकिंग वर्क्स हियर। थिंक ग्रेटर देन योर एनवायरनमेंट। हमारी जो भी हैबिट्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होती हैं हमारे इन्वायरमेंट से। हम जो भी चीज़ें देखते हैं, जो भी बातें सुनते हैं, जो भी मूवीज़ देखते हैं, जो भी सीरियल्स देखते हैं, जैसे इन्वायरमेंट में रहते हैं, उससे हमारी थिंकिंग बनती है। तो उसी हिसाब से हम सोचते हैं। अगर हमें किसी ने कह दिया कि हम ये नहीं कर पाएंगे, तो हमारे दिमाग में भी वही चलने लगता है कि हम ये नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप ये सोचते हैं कि हम ये नहीं कर पाएंगे, तो ये करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप जैसा सोचते हैं, जैसा आप थिंक करते हैं, वैसा ही आपकी बॉडी एक्ट करती है। देन सेकेंड इज़ आपका बिलीव करना आपके फ्यूचर में, कि आप कितना बिलीव करते हैं अपने फ्यूचर में कि आप जो चाहते हैं वो आपको होगा। क्या आप सच में ऐसा सोचते हैं कि अगर मैं खुद को उस प्लेस में देखता हूँ तो आप उस चीज़ के लिए बिलीव करते हैं और ड्रीम करते हैं कि हाँ वहाँ हूँ? या फिर एक थिंकिंग ऐसी आ जाती है आपके माइंड में जहाँ पे आप ये सोचने लगते हैं नहीं, ये मुझसे नहीं हो पाएगा। देन आपकी इन्वायरमेंट एंड आपकी थिंकिंग मैंने बता दिया। ट्रेन करना आपके माइंड को, तो सबसे पहले आपके माइंड को जो है ट्रेन करना होगा आपको, आपके माइंड को ये आपको सोचने पे मजबूर करना होगा कि मैं जो चाहती हूँ, मैं जो चाहता हूँ वो पक्का होगा। नेक्स्ट आपका इन्वायरमेंट एंड थिंकिंग था। सेकेंड इन्वायरमेंट एंड थिंकिंग में आपको क्या करना है कि आप जैसे इन्वायरमेंट में रहते हैं, मैंने कहा कि वही आप सोचने लगते हैं और वही करने लगते हैं, यही आता है इन्वायरमेंट एंड थिंकिंग। तो आपको उससे हटके सोचना है, आप जो चाहते हैं आपको उसके बारे में सोचना है, ना कि आपके इन्वायरमेंट के हिसाब से आपकी थिंकिंग इफेक्ट होनी चाहिए किसी दूसरे के थॉट्स के हिसाब से। देन योर ब्रेन इज़ योर फ्यूचर। आप जैसा सोचते हैं आपका ब्रेन, वो आपका फ्यूचर है। आप जैसा अपना बिलीव रखते हैं कि आपका फ्यूचर होगा, वैसा ही आपका फ्यूचर होगा, और जैसा आप सोच रहे हैं वही होगा। देन नेक्स्ट हमारे लिए जो आता है, मैंने कहा आपका जो ब्रेन्स होते हैं वो इसे हम एक और नाम से जानते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो आपका ब्रेन जो है वो चेंज होने करने लगता है आपकी लुक को, आपकी हैबिट्स को, और जो भी आप एक्ट करते हैं। अगर इस पे देखा जाए कि रिसर्चेस हुई है कि नहीं, तो हाँ, न्यूरोसाइंस जो है, अकॉर्डिंग टू न्यूरोसाइंस, इट इज़ पॉसिबल कि आप जैसा सोचें। एक स्यूडो प्रेगनेंसी होती है, उसमें कोई भी जो एक फीमेल होती है वो अगर ये सोच ले कि वो प्रेग्नेंट है, उसके अंदर ये बन जाए, तो उसके अंदर वो फिज़िकल चेंजेस भी आने लगते हैं। हो सकता है कि जब वो सोनोग्राफी करवाएगी तो उसमें कुछ भी उसको कंसेप्शन नहीं मिलेगा, बट उसका स्टमक भी जो है वो ग्रो होने लगता है। तो ऐसी उसने थिंकिंग बनाई थी, इसका हम एग्जांपल ले सकते हैं। इसके बारे में मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी और इसकी एक पिक मैं यहाँ लगा दूंगी। देन नेक्स्ट इज पर्सनैलिटी क्रिएट पर्सनल रियलिटी। तो जैसे कि हमारी पर्सनैलिटी होती है, वैसे वो ही हमारी पर्सनल रियलिटी क्रिएट करती है। यानी कि हम जैसा फील करेंगे वैसा हम सोचेंगे और वैसा ही हम एक्ट करेंगे। हमने फील किया, हमने वैसा ही सोचा और हमने वैसा ही एक्ट किया। अब हमारी जो फीलिंग्स है, ऑफकोर्स वो हमारे एनवायरनमेंट से अफेक्ट होती है, इसलिए मैंने कहा एनवायरनमेंट और थिंकिंग। देन नेक्स्ट जो आता है, आपको कैसे पर्सनैलिटी चेंज करनी है ये मैं बताने वाली हूँ। तो नेक्स्ट में आपको क्या करना है, आपको अपने थॉट्स को इफेक्ट नहीं होने देना है। आपके जो इमोशंस हैं उनको आपको कंट्रोल में रखना होगा। इससे यानी आपके इमोशंस के कारण आपके जो थॉट्स हैं वो इफेक्ट
इफेक्टेड हो जाते हैं और आपके क्योंकि थॉट्स जो हैं वो इन्फेक्टेड कहूँ मैं हो जा रहे हैं, तो इसीलिए आपका जो बिहेवियर है वो हैबिट ऐसी वैसी ही हो जाती है, आपका माइंड भी मैंने कहा कि वैसा ही वर्क करने लगता है। तो आपको अपने नर्व्स को फायर करना है, आपको वैसे ही सोचना है, वैसा ही फील करना है, वैसा ही एक्ट करना है जैसा कि आप चाहते हैं। देन उसके बाद लर्निंग, लर्निंग एक ऐसी चीज़ है जो आपके माइंड में नए न्यूरॉन्स क्रिएट करता है आपकी सोचने की, तो आप कुछ ना कुछ नया हमेशा सोचते रहें, कुछ ना कुछ नया हमेशा सीखते रहें, और कभी भी चाहे आप किसी भी एज में चले जाएँ, किसी भी पोस्ट पे चले जाएँ, आपको आपके अंदर की वो लर्निंग जो हैबिट्स हैं वो स्टॉप नहीं करनी है, आपको हमेशा नया कुछ ना कुछ सीखना होता है और सीखते रहना चाहिए। जो आपको नहीं आता है कि आप सोचिए कि मुझे क्या नहीं आता है, जैसे मुझे मेहंदी लगाना नहीं आता था तो मैंने वो सीखा है अभी, ऐसे ही मुझे हिंदी की गिनती पहले नहीं आती थी तो वो मैंने अपने मिडिल स्कूल में आने के बाद सीखी है। इसी तरह से बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, तो आपको वो सब सीखना है जो आपको नहीं आता है, क्योंकि जब भी आप कुछ नया सीखते हैं तो आपके ब्रेन में और ज़्यादा न्यूरॉन्स डेवलप होते हैं, और ज़्यादा जो है साइनेप्सिस फॉर्म होंगे, और ज़्यादा न्यूरॉन्स के कनेक्शंस बनेंगे जिससे आपकी मेमोरी आपके ब्रेन को स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। देन नेक्स्ट हम सिक्स्थ नंबर कहते हैं फीलिंग्स एंड थॉट्स। फीलिंग्स एंड थॉट्स में दो चीज़ें होती हैं, फील द वे यू थिंक, आप जैसा सोचते हैं आप वैसा फील करें, और आप जैसा सोचते हैं वैसा थिंक द वे यू फील, आप जैसा सोचते हैं वैसा फील करें। आप हो सकता है कि आप अलग सोच रहे हो और आप ऐसा फील नहीं कर रहे हैं कि मैं ये चाहती हूँ, बट आप फील नहीं कर रहे हैं, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। इसके हिसाब से आप चाहते तो कुछ हैं बट आप उसे फील नहीं कर रहे हैं, ये बात गलत है। तो आप जो चाहते हैं आपको वो भी फील करना होगा, और आप जो करना चाहते हैं उसे भी। तो एक बार फिर से सुन लीजिए, फील द वे यू थिंक, थिंक द वे यू फील। देन थॉट्स आर लैंग्वेज ऑफ ब्रेन, हमारे जो भी थॉट्स होते हैं वो हमारे ब्रेन की लैंग्वेज होते हैं, हम जैसे जैसे थॉट्स बनाएंगे वैसे वैसे हमारा ब्रेन जो है उसे ग्रास्प करते जाएगा, क्योंकि उसे हमारे ब्रेन ने ग्रास्प कर लिया है तो वो हमारे बॉडी को कमांड करेगा वैसा एक्ट करने के लिए। तो अपने थॉट्स पे हमेशा हमें कंट्रोल करना चाहिए। फीलिंग्स आर लैंग्वेज ऑफ बॉडी, जो भी हमारी फीलिंग्स होती हैं वो हमारी लैंग्वेज की बॉडी है। इसका मैं एक एग्जाम्पल दूँ, अगर मैं किसी चीज़ से डर गई हूँ तो ये मैंने डर फील किया तो वो मेरी बॉडी में दिख रहा है। तो आपको हमेशा वही फील करना है जो आप अपनी बॉडी में दिखाना चाहते हैं या आप अपनी बॉडी के थ्रू करवाना चाहते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको डरना नहीं है, हो सकता है आप डरें आप झिझकें, बट फीलिंग्स को अपनी कंट्रोल करना सीखें, पूरे तरीके से पॉसिबल नहीं है, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना कम्प्लीटली पॉसिबल नहीं है, बट कोशिश करें कि इस पर एक कमांड हासिल कर सकें, और वैसा ही सोचें वैसा ही फील करें जैसा आप चाहते हैं कि रियल में हो, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग ही आपकी बॉडी एक्ट करेगी। देन नेक्स्ट जिसे हम कहते हैं ब्रेन एंड माइंड, ब्रेन ब्रेन तो हम जानते हैं बट ये माइंड क्या है? हाँ, ब्रेन जो है वो एक केमिकल प्रोड्यूस करता है जो जिसे हम हार्मोन्स के नाम से जानते हैं, हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है, एंड हर बार जब हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं तो उस टाइम से हम एक्ट करते हैं, जैसे डर के टाइम पे कुछ हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं, एंड सो एग्जांपल्स, इसके बारे में बाद में डिटेल में भी बात कर सकते हैं कौन से हार्मोन कब प्रोड्यूस होते हैं। बट जब भी फॉर एग्जांपल जब आप खुश होते हैं, जब आप डरते हैं, हर टाइम पे एक हार्मोन प्रोड्यूस होता है, इसे हम केमिकल्स भी कह सकते हैं। ये जो केमिकल है वैसे एक्ट कराता है, तो आप अपने ब्रेन को कंट्रोल करेंगे उस हिसाब से आप एक्ट करेंगे। एक्चुअली एक रिसर्च है उसके हिसाब से कहा जाता है कि एट द एज ऑफ 35 की एज तक क्या होता है, टिल द एज ऑफ 35 95% हमारे जो रिस्पॉन्स होते हैं किसी भी चीज़ के लिए, फॉर एग्जाम्पल कोई जॉयफुल थिंग हुई, कोई सी अच्छी चीज़ हुई या कुछ बुरी चीज़ हुई, वो सारे प्रीनोशंस होते हैं, यानी कि हम पहले वैसा सीख चुके होते हैं कि हमें उन सिचुएशंस में कैसा रिस्पॉन्ड करना है, एंड हम उसी हिसाब से रिस्पॉन्ड करते हैं। और 35 की एज के बाद ये चीज़ें चेंज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपके माइंड में पहले से ही सेट होता है कि अगर ये सिचुएशन आएगी तो मुझे ऐसे एक्ट करना है। तो अगर आप अभी आपकी एज 35 नहीं है, उससे आप ऑफकोर्स कम ही होंगे, जैसे कि हमारे जो व्यूअर्स हैं वो स्टूडेंट्स हैं, तो उसके हिसाब से आप सोचें और ऐसे एक्ट कैसे करना है, ये अभी से अगर हम अपने हमारे ब्रेन को ट्रेन करेंगे तो वो वैसे ही ट्रेंड हो जाएगा, एंड इन फ्यूचर वो वैसा ही एक्ट करेगा। देन उसके बाद प्रोक्रास्टिनेशन, हाँ, प्रोक्रास्टिनेट पर्सन वो होते हैं जो कि हर काम को बेवजह टालते रहते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे आज ये टास्क कंप्लीट करना है, मैंने भी टाला था,
वीडियो मुझे कल शूट करना था, मैं आज शूट कर रही हूँ. सो आई प्रोकास्टिनेट देयर, बट आई एम नॉट अ प्रोकास्टिनेट पर्सन. क्योंकि क्या होता है कि आप जब भी बिना वजह किसी काम को टालते हैं तो उसे हम प्रोकास्टिनेशन कहते हैं. और ये एक ऐसी हैबिट होती है जो आपको आपके लाइफ में आगे जाने में सबसे ज़्यादा स्टॉप करती है. आप जैसा जैसे चीज़ें टालते जाएंगे या तब वो करेंगे जब उनका लास्ट टाइम आएगा, बॉर्डर लाइन आएगी, या फिर उनकी टाइम लिमिट जाने के बाद कर रहे हैं, तो इस हिसाब से आप लेट होते रहेंगे हमेशा. और जब आप लेट होंगे तो ऑफकोर्स सक्सेस पाना इज़ नॉट पॉसिबल. तो आपको हमेशा हर चीज़ टाइम पे ही करनी चाहिए. जो भी काम है वो आप पहले कर लें, आपको जो लिमिट दी है उससे पहले कर लें. फॉर एग्जांपल, आपको 10 दिन बाद एक प्रोजेक्ट सबमिट करना है, तो आप कोशिश करें कि वो प्रोजेक्ट आपका 5 दिन में ही हो जाए. 10 हो सकता है. कई लोग क्या करते हैं, बैठे रहते हैं, देन उसके बाद उस प्रोजेक्ट करना स्टार्ट करेंगे वो 5 दिन बाद. कई तो ऐसे होते हैं जो 10 दिन बाद भी स्टार्ट करते हैं. तो अब प्रोकास्टिनेशन का एक्चुअल मीनिंग क्या है, तो जो हमने गूगल में देखा है वो ये है, द एक्ट ऑफ डिलेइंग और पुटिंग ऑफ टास्क अंटिल द लास्ट मिनट और पास्ट देयर डेडलाइन. वही मैंने कहा ना, उनकी डेडलाइन पास्ट होने या लास्ट मिनट तक, यानी कि लास्ट के जब एक दिन मिनट बचेगा तब. हम सभी को याद है गर्मियों की छुट्टियों में हम क्या करते थे. कई बच्चे ऐसे होते थे जो अपने सारे होमवर्क पहले से ही करने लगते थे और रोज़ थोड़ा थोड़ा करते थे. वहीं कुछ ऐसे होते थे जो पूरी छुट्टियां तो बिताते थे, आखिरी के 5 दिन में करते थे. कुछ तो ऐसे होते थे जिन्हें हमने देखा होगा कि वो क्लास में आके दूसरों का कॉपी कर रहे हैं, यानी कि उनकी डेडलाइन के बाद वो कर रहे हैं. तो इस हिसाब से हम इसे समझ सकते हैं कि क्या है, और हमें हर चीज़ टाइम पे ही करनी चाहिए. एक बार और हम इसे रिवाइज कर लेते हैं. सबसे पहला अपने माइंड को ट्रेन करना है. आपको माइंड को ट्रेन करने में सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि जो आपके इन्वायरमेंट एंड थिंकिंग सेकेंड नंबर है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है. एंड आपका बिलीव आपके फ्यूचर में जॉब चाहते हैं वो भी ज़रूरी है. ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. आपकी पर्सनैलिटी क्रिएट करती है आपकी पर्सनल रियलिटी, यानी कि आप जैसे पर्सनैलिटी है आपकी, आप वैसे पर्सनली होंगे. देन फिफ्थ वन इज़ आपकी लर्निंग हैबिट्स आपको इंक्रीज़ करनी है, क्योंकि इससे आपकी मेमोरी बढ़ती है और आपकी सीखने की क्षमता भी बढ़ती जाती है जैसे जैसे आप सीखते जाते हैं. आपकी फीलिंग्स एंड थॉट्स आना इज़ कॉमन हाँ, बट आपको इसे कंट्रोल करना सीखना है. बैड फील करना, सैड फील करना, बहुत ज़्यादा सैड फील करना, ये भी आपको सीखना है. कई लोग क्या करते हैं, यार मैंने अब ये कर लिया, मैं क्या करूँ लाइफ में, मेरे पास कुछ भी नहीं है, इस तरह का आपको फील नहीं करना है. देन ब्रेन एंड माइंड. ब्रेन, मैंने कहा ब्रेन जो है वही करता है, एंड माइंड क्या है ये तो किसी को पता नहीं है, बट माइंड है जो आप सोचते हैं, करते हैं, एक्ट कर रहे हैं, आपके हार्मोन सब कुछ माइंड ही कर रहा है, आपका ब्रेन भी है. तो इस पर कंट्रोल करें. प्रोकास्टिनेशन, जो भी कल का काम है कोशिश करें, कल करें सुबह, आज करें सुबह, अभी करने की कोशिश करें, उसे कल पर ना टालें. तो ये जो स्टेप्स हैं, 8 स्टेप्स हम इन्हें कहते हैं, ये आपको आगे करेंगे किसी भी काम के लिए, और इनके थ्रू आप सक्सेस पा सकते हैं. चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, कोई भी बड़ा लाइफ का एक अचीवमेंट हो, कुछ भी हो, आप कुछ भी एक सिंपल सा टास्क लेके देख लें, मुझे आज ये काम करना है, ये स्टेप्स आप सोच लें, उस हिसाब से आप कर सकते हैं. थैंक यू. जिन्होंने भी ये वीडियो यहाँ तक देखा है उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू. प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, आप कमेंट करिए एंड लाइक करिए. इससे हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है इसी तरह के वीडियो बनाने में. और मैं काफ़ी समय से, आई थिंक लास्ट 4 ईयर से क्वेरा पे लोगों की हेल्प कर रही थी, तो आप मुझे वहाँ मुझसे वहाँ भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. मुझे जब भी टाइम मिलता है मैं उसके आंसर देती हूँ. साथ में आप यहाँ नीचे भी कमेंट करके कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं. एंड थैंक यू सो मच. कुछ भी आप के मन में डाउट हो, या आप किसी भी चीज़ पे वीडियो चाहते हैं, किसी भी चीज़ पे एडवाइस चाहते हैं, तो आप उसके लिए कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें. थैंक यू.